इस श्लोक में गुरुदेव ने विशेष करके बताया था कि ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में वहां पे क्या हुए ना, उसी कारागार में प्रकटित हो गए। जब प्रकटित हो गए तो यहाँ पे वसुदेव देख के विस्मित हो गए, आश्चर्य हो गए। इनका आश्चर्य का लक्षण चक्रवर्ती ठाकुर ने पांच कारण बताया था। क्या क्या कारण है कि ठाकुर जी कौन है ना, सर्वदेवेश्वरेश्वर, ठाकुर जी सर्वश्रेष्ठ है। ठाकुर जी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान, जो जिनके चरण कमल के लिए, जिनके चरण के एक छटा के लिए यद्यपि समाधि से विधि रति पश्यति नतव नपाग्रमरिचि, भगवान के जो चरण कमल के समाधि में अगर विधाता दर्शन करने के लिए अगर कोशिश करेंगे फिर भी क्या होगा ना, विधाता को ठाकुर जी का चरण कमल का एक नख का अग्रज का एक छटा भी जो किरण उसको भी दर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसे जो भगवान है और जो ईश्वर पर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण जो आदि का भी आदि है, ऐसे जो जो भगवान है वो क्या हुए ना, देव की माता के गर्भ में से प्रकटित हो गए। ये एक कारण। और दूसरे कारण बता रहे थे कि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान सर्वव्यापक होने के कारण भी उन्होंने क्या किया ना, हम जैसे देव के और वसुदेव बोल रहे कि हम जैसे बद्रजीव के ऊपर हम जैसे हमने पता नहीं कौन सा पुण्य कर लिया तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान क्या हुए, हमारे ही गर्भ से भगवान ने प्रकट हो गए। तीसरा कारण बता रहे हैं कि हम तो अभी बंधे हुए अवस्था में है, हम तो अभी कारागार में है और कारागार में ही भगवान ने हम जैसे को कितना करुणा कितना दयालु ठाकुर जी ने कारागार में हमको क्या किया, विशेष रूप में प्रकटित हो गए। चौथा कारण बता रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी यहाँ पे शंख चक्र गदा पद्म, इनके जो स्तुति में बता रहे हैं कि शंख चक्र गदा पद्म रूप में है, कहाँ ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, कहाँ उनके भक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणिदी व चिन्ह इत्यादि इत्यादि है, तो वो ठाकुर जी कैसे हमारे इस कारागार में हमको विशेष करके कृपा करने के लिए बालक रूप में आ गए। और अंतिम कारण बता रहे थे कि एक समय एक तो सोच रहे हैं कि ये स्वयं सर्वेश्वर भगवान है और दूसरी ओर ये सोच रहे हैं कि ये हमारे कौन है ना, ये हमारे पुत्र है। तो इसी को इस चीज को सोचते सोचते देवकी और वसुदेव क्या कर रहे थे ना, विस्मित हो रहे थे, पूरा मन ही मन अपने आप को आश्चर्य हो रहे थे। तो उसके आगे गुरुदेव ने फिर यही बोला था और क्या बोला, हरे कृष्ण हरे बोल हरे हरे कृष्ण ठीक ठीक ठीक। अभी ठंडा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, पहले हम लोग एक काम करेंगे, जो कथा है ना जल्दी करके जल्दी कथा को विश्राम दे देंगे, फिर आप लोग जल्दी जल्दी घर में वापस जा सकते हैं। ठीक है, जल्दी कर देंगे कथा को भी। कथा कितने बजे करेंगे, 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे करेंगे। लोग घर में भी जाना, ठंडा का समय ठंडा बच गया ना आज, इसलिए जल्दी मैं 5 मिनट बोल करके विश्राम दे दूंगा। कल से कल फिर अब लोग कल ही है ना, कल रात 10 तक क्या बोल रहे थे, न्यू ईयर से होगा, कल तो उत्सव है, अब तो न्यू ईयर से होगा, पहले 1 तारीख से होगा। हाँ कल ड्रामा होगी, कल तो उत्सव है, सबको बोल देना सब ड्रामा में कथा कितने। हाँ होगा, थोड़ी सी कथा हो जाएगी, थोड़ी सी ड्रामा हो जाएगी, हाँ कीर्तन कथा हो जाएगी, ड्रामा तो आधे घंटे का है, आधे घंटे का ठीक, ड्रामा सबका ड्रामा काट दिया। ओम ज्ञान केन्द्रम सस्य ज्ञानांजन कलाके पूजारी थे बोला आरती रेडी कर पंचाकल अज्ञान केन्द्रम सस्य ज्ञानांजन कलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः च
पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय कश्यप सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सदस्य श्री 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 माधुभक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग पहले श्रवण कर रहे थे भगवान का अद्भुत बालक रूप दर्शन करते हुए देवगिरि ने क्यों बस उन्होंने क्यों विस्मित तो हुए हैं, इसका कारण भी अभी अभी प्रभु जी को मुखारविंद से हम लोगों ने श्रवण किया है। पांच कारण श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताए। अभी श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं जब साधारण कोई बालक जन्म लेता है हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और उसमें पता नहीं कितने कितने पार्टियां करते हैं, कितना जन्म उत्सव करते हैं। कभी साधारण बालक जन्म लेने पर तो इतने उत्सव करते हैं। आज ठाकुर जी मेरे पुत्र रूप में स्वयं आए तब उसके लिए कितना नहीं करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने तो मन मन में कभी कितना बोले 10,000 धेनु हाँ उन्होंने मन मन में दान कर दी। बोले जब मैं ये जेल से मुक्त हो जाऊँगा मैं 10,000 धेनु जितने ब्राह्मण संतों को मैं प्रदान करूंगा। अभी श्री वसुदेव महाराज और देवों की देवी पहले श्री वसुदेव महाराज भगवान को स्तुति करते हैं। बोले विदितो असि भवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर केवलानु भावानंद स्वरूपम सर्वबुद्धिदृक्। बोले विदितो अस्मि भवान साक्षात पुरुष प्रकृति पर। कहते प्रभु मैं आपको समझ गया, विदितो अस्मि मैंने पहचान लिया है आपको। बोले आप कौन हो? कहते ये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। इसलिए मैं पहचान गया आप कोई साधारण बालक ही नहीं, आप स्वयं कंसों को मारने के लिए जो आकाशवाणी हुई थी अष्टम गर्भों का संतान तेरा हत्यारा बनेगा काल बनेगा, मैं समझ गया हूँ विदितो अस्मि मैं पहचान गया हूँ, इसलिए आप अवतीर्ण हो रहे हो किसके लिए? ये दुष्ट कंसों को मारने के लिए। बोले आप कौन हो? बोले प्रकृति है पर कहती जगत में सत्व रज और तम कहती ये तीन गुण है लेकिन आप ये तीन गुण से आप अतीत हो है? आप ही जैसे कृष्ण गीता में कहते हैं प्रकृति मैयाध्यक्षण प्रकृति सुरते सचराचर। भगवान जब प्रकृति को उनका शक्ति को दृष्टि करते हैं तब प्रकृति खोबित होकर के ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को ये सृष्टि करते हैं। प्रभु आपकी इच्छा से ही जगत में सृष्टि स्थिति प्रलय आपकी इच्छा से ही होता है। बोले आपको कैसे समझ सकते हैं लोग?
केवल अनुभवानंद स्वरूप भगवान हम वैसे नहीं जान सकते, केवल अनुभूति को द्वारा ही हम उनको जान सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भक्त्या माम एकाग्राज्य न बुद्धया न चटिकया, मेरे को केवल भक्ति को द्वारा ही, केवल प्रेम को द्वारा ही मेरे को कोई जान सकते हैं। इसलिए बोले न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, जम वै से वृणुते तन लभ्य तसै से आत्मा विवृणित तन स्वा। इसलिए उपनिषद कहता है न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य, भगवान को प्रवचन के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को जान ले, बुद्धि को द्वारा भी भगवान को जान नहीं सकते हैं, है? कोई टीका को द्वारा न बुद्धया न टीकया। इसलिए कैसे जान सकते हैं कि जब जीव शरणागत हो जाए, निष्कपट रूप में ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाए, ठाकुर जिनको स्वयं जानना चाहते हैं उनको वही केवल उनको जान सकते हैं, केवल अनुभूति को द्वारा उनको जान सकते हैं। बोले सर्व बुद्धि दृक् कहती है कौन है, बोले ये सब सर्व बुद्धि दृक् तुम्हार, हाँ इसलिए कहते हैं ताई प्रकृति पर, इसलिए आनंद ब्रह्म जिनी अंतर्जामिता साक्षात भगवान तम स्वामी बुझते छी। इसलिए कहते हैं प्रभु आपको सबको आप जानते हो, लेकिन आपको जो आपको सब नहीं जानते, केवल आपका भक्त लोग ही आपको जान सकते हैं। अभी श्री देवकी कह रहे हैं बोले हे प्रभु आप अभी जन्म ले रहे हो, कंस ने मेरे छह पुत्रों को कंस ने मार डाला है, इसलिए अगर कंस को अभी पता चल जाएगा ना अभी आपने जन्म लिया, फिर क्या करेगा, अभी दौड़ दौड़ करके आएगा आपको भी मारने के लिए कोशिश करेगा, इसलिए प्रभु मेरे को बहुत डर लग रहा है। तब कृष्ण कहते हैं नहीं मेरे को थोड़ी वो मारेगा, वो मामा है मेरे को थोड़ी मारेगा। और भगवान को दर्शन करने से क्या होता है, ठाकुर को दर्शन करने से हृदय से काम क्रोध लोभ मोह सब दूर हो जाता है, भगवान को दर्शन करने से प्रेम होता है। इसलिए मेरे को दर्शन करके, वो मामा है ना, मैं भातीजा लोग का, इसलिए मेरे को तो प्रेम करेंगे क्योंकि मैं भातीजा है ना, इसलिए मेरे को तो प्रेम करेंगे। बोले प्रभु वो प्रेम करने वाले नहीं, आपको माधुर्य को दर्शन करके वो प्रेम करने वाले नहीं, इसलिए कहते वो दुष्ट है बदमाश ही है इसलिए वो प्रेम करने वाले नहीं। इसलिए अब क्या करो, जल्दी से जल्दी आप ये रूप को संवरण करो, क्योंकि मेरे को बड़ा डर लग रहा है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। इसलिए कहीं कहीं पर बताते हैं भगवान कहते अब कोई चिंता की बात मत करो, इस बार हम मामा को देख लेंगे, इसलिए तो मैंने पहले ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मैं पहले से आया हूँ, पहले तैयारी होकर के आया हूँ, इस बार कंस मामा अगर कुछ करेगा ना इस बार मैं छोड़ने वाले नहीं, मैं पहले से ही तैयारी होकर के आया हूँ। नहीं ये टीका नहीं, वही साधारण लोग, हाँ वैसे साधारण लोग ये बात कहते हैं। इसलिए कहते अथ अथ, हाँ इसको बाद में सुखदेव को अथ इन आत्मजम विख्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावत कंसाद्भिता सुविस्मित। इसलिए अभी भाष्य करते के देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बोले अथ एन आत्मजम विख्य महापुरुष लक्षणम, जब वसुदेव महाराज ने क्या देखा, अपना बेटे को अंदर में सारे महापुरुष का लक्षण देखा, क्या देखा उन्होंने, शंख चक्र गदा पद्म केश धारण करके आए, कुमराली केश है, चमकीले चमकीले वस्त्र, ठाकुर जी के अंदर में सारे महापुरुष का कितना लक्षण होता है, महापुरुष का, महापुरुष का 26 लक्षण होता है, और जो उनका शरीर में विशेष करके शरीर में 26 लक्षण भी उनको होता है महापुरुष का, उनने सारे महापुरुष का लक्षण उनका अंदर में दर्शन किया। इसलिए अभी लेकिन भगवान तो प्रकट होकर हंस रहे थे, भगवान हैं हंस रहे थे, लेकिन वसुदेव महाराज क्या सोच रहे थे, हे भगवान हम कंस के भय से अपना बच्चे को मैं रखा कैसे करूंगा, ये बच्चा तो कोई डर ही नहीं गया, ये तो हंस रहा है प्रकट होकर के, लेकिन उसको पता नहीं ये कंस महादुष्ट है और आ करके ये मेरे को मार सकता है, इसको तो डर भय कुछ है ही नहीं, ये तो खिलखिला करके ये हंस रहे हैं।
कहते ही जन जन्मते मय सौ पापो मा विद्यात मधुसूदन समम द्विजे भवत हेतो कंसादहम अधीरधि। इसलिए कहते हे मधुसूदन, इसलिए कंस से मैं बहुत डरते हुए मैं बड़ा उद्विग्न हो रहा हूँ। अतएव अपना गर्भ अपना जन्म ग्रहण वार्ता जैसे कंसों को पता नहीं चले आप यहाँ जन्म हुए, लेकिन फिर यहाँ पर कहते आप कौन हो, यहाँ पर जो नाम आता है कहते मधुसूदन, भगवान का एक नाम है मधुसूदन। कहते मधुसूदन मतलब क्या है, कहते भगवान ने ये मधु दैत्य को उन्होंने वध किया था और मधु दैत्य बड़ा पराक्रमी था, अथा पराक्रमी था ये मधु दैत्य। इसलिए कहते आप जो मधुसूदन का मार सकते हो, मधुसूदन का मारे हो, अब जो मधु दैत्य को मार सकते हो कंस, और कंस कितना बड़ा, कंसों का अंदर कितना शक्ति होगा, कंसों के बदल उससे तो ज्यादा शक्ति कंस के अंदर में नहीं है। इसलिए यहाँ पर वसुदेव महाराज के आप तो मधुसूदन हो, अब तो जो मधु दैत्य को मार सकते हो कंसों को मारना भी आपके लिए वही कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं इसलिए आप कोई चिंता मत करो, हैं आप कोई चिंता मत करो, हैं इसलिए कहते हे वसुदेव मैंने ये चतुर्भुज रूप लेकर के मैंने कारागार में किस लिए प्रकट हुआ है, इसका कारण क्या, बोले इसका कारण ही बोले तुम्हें वम पूर्व सर्ग भू प्रश्नि स्वयं भुवे सती तदा अयम सुतपा नामना प्रजापति कलमस। क्या तुम्हारी पूर्व जन्म की बात को मैंने याद दिलाने के लिए मैंने ये चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ, बोले तुम लोग पहले कौन थे, कहते ये स्वयंभुव मन्वंतर में तुम लोग प्रश्नि और सुतपा तुम ये दोनों राजा और रानी थे, हैं लेकिन तुम्हारी गर्भ में तुम लोगों ने क्या किया, हैं कहते तुम लोगों ने प्रश्नि और सुतपा रूप में तुम लोगों ने सारे राज्य भोग सुख को परित्याग करते हुए तुम दोनों ने 12,000 साल तक पेड़ से जो पत्ते गिर जाते थे वो पत्ते को खा खा करके और हवा खा खा करके कठोर तुम लोगों ने मेरी कठोर तपस्या की है। कहते वर्षा वायु धूप ठंडा गरीब और करते हुए हैं तुम लोगों ने बड़ी कठोर मेरी तपस्या किया, जब तुमने तपस्या किया मैं संतुष्ट होकर के मैंने तुम लोगों को दर्शन दिया, लेकिन मैं जब तुम लोगों को दर्शन दिया लेकिन तुम लोगों ने मेरे से मुक्ति प्रार्थना नहीं की, प्रभु हमें संसार से मुक्ति कर दो ये मुक्ति प्रार्थना नहीं किया, फिर तुम लोगों ने क्या प्रार्थना किया, बोले प्रभु आप जैसे हमें एक बालक चाहिए, आप जैसे हमें बालक चाहिए। भगवान ने कहा देखो मेरे जैसे तो बालक कोई होते नहीं, मेरे जैसे केवल मैं ही होता हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, मैं स्वयं तुम्हारा बालक बन करके स्वयं आऊंगा। ये चीज को स्मरण कराने के लिए मैंने ये चतुर्भुज रूप में तुमको मैंने दर्शन दिया है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं हैं पुत्र थे, कहते केवल मैं इसी अवतार में तुम्हारी पुत्र रूप में आऊंगा ऐसी बात नहीं, कहते जन्म जन्मांतर में ही आ मेरे पिता माता। देखो यहाँ पर एक चीज को समझो, कहते यहाँ पर जो देवकी और जो वसुदेव है ये भगवान का नित्य पुत्र, भगवान इनके नित्य पुत्र, जो देवकी वसुदेव ये भगवान की ये मथुरा के ये परिकर है, ये इनका ही कृष्ण नित्य ही पुत्र, हर समय इनका पुत्र बन करके आते हैं। लेकिन ये जो कृष्ण सुतपा कौन है, कभी ये दोनों ने जब उन्होंने आराधना की भगवान को, भगवान क्या वरदान दिया, बोले कोई बात नहीं मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जब देवकी वसुदेव आए इनके अंदर में कृष्ण और ये सुतपा ये दोनों ने क्या किया, इनके शरीर में मिल गए। जब शरीर में मिल गए जो देवकी वसुदेव ने उन्होंने बात्सल्य रस को उन्होंने आस्वादन किया, उन्होंने जब किया उनका अंदर में दोनों मिले हुए तो उन्होंने अनुसंग के रूप में भी इन्होंने बात्सल्य रस को उन्होंने आस्वादन कर लिया। इसलिए कहते केवल एक अवतार नहीं, मैंने जितने अवतार लेता हूँ हर अवतार में आप मेरे पिता माता बन करके आते, हर अवतार में आप पिता कहते अपने
जब दिति की गर्भ में भगवान वामन अवतार लिया और उस समय भी हमारे पिता माता बन करके आए थे हैं, उस समय भी आए, जब रामा अवतार में कौशल्या और कई कई हैं, उस समय भी तुम लोगों ने कौशल्या और कई कई बन करके तुम भी आए, उस समय में तुम्हारे गर्भ से राम रूप में मैंने अवतरण किया था, अभी तुम दोनों ने हैं अभी देवकी और वसुदेव रूप में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी नित्य पुत्र हूँ, जन्म जन्मांतर में मैं तुम्हारी पुत्र बन करके हर समय में आता हूँ, हर समय में आता हूँ। इसलिए यहाँ पर और एक बात कह रहे हैं, हाँ कहते जो देवकी वसुदेव इनके अंदर में भगवान के प्रति जो भावना है ये ऐश्वर्य भावना, क्योंकि उन्होंने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिलाए ना, जब दर्शन दिलाया उस समय इनको पता किया चला, कहते जो दो है कौन है, ये जो कृष्ण ये भगवान है, क्यों चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, भगवान के हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था सब कुछ, इसलिए इनके अंदर में ऐश्वर्य भावना है। लेकिन जो जसोदा और नंदो के अंदर में जो भावना है शुद्ध वात्सल्य है, इनके अंदर में भगवान बुद्धि नहीं, इसलिए कभी कभी भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाने पर भी हैं, जैसे उन्होंने ब्रह्मांड रूप दिखा दिया, जैसे कृष्ण ने ये गिरिराज गोवर्धन को जब उन्होंने 7-7 दिन तक धारण कर लिया, अभी तो जितने ब्रजवास थे ना देख करके नंद जसोदा को बुलाए, बुला करके बोले देखो अभी तक कम से कम तुम दोनों मान लो एक भगवान, कोई साधारण बालक इतना बड़ा पार्वत को 7 दिन तक कोई धारण कर सकता है, ये क्या संभव है, अभी तक कम से कम मान लो, क्योंकि जब कृष्ण कभी कभी थोड़ी थोड़ी मक्खन चोरी कर लेता है ना, खा लेता है, मटकी फोड़ देता है, भैया उसको बात देती है, मिट्टी खा लिया तो सीधा कान पकड़ ली, डांट लगाए, उनको शासन किए उन्होंने खबरदार, और कृष्ण को शासन पासन नहीं करना, अभी कृष्ण को पूजा करो कि भगवान, इसको सुन करके नंद बाबा ने हा 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 जोर जोर से ठाल लगा करके हंसे, बोले देखो हमने सुना था जो ग्वालों का 80 साल में इनकी अकल का दांत निकलता है, हैं अकल के दांत, अभी मेरे को अनुभूति हो रहा है, कहां मेरे बच्चा हैं, कहां मेरे बेटा, इनको रखा किया और अभी इन्होंने मेरे बच्चे को मृमी पर डाल दिया, मतलब ब्रज में भगवान बोलना मतलब है, यहाँ पर कहते हैं हमारे ऊपर भी ये विपत्ति, क्योंकि ब्रज में कृष्ण को ही भगवान मानना नहीं चाहते, सब क्या चाहते हैं, ये हमारे बेटा है, ये हमारी लाला है, बोले जानते हो तुमको क्या पता ये क्या घर में नटखट करता है, अगर मैया अगर थोड़ी देर लगा देना मक्खन मिश्री देने के लिए, डंडे से सारे भटकी भटकी फोड़ देता है, आप बताओ भगवान को झूठ बोलते हैं, बोले नहीं वो तो सत्य स्वरूप है, ये बात बात में झूठ बोलता है, मक्खन खा लिया बुरा की बुरा, मैया पूछते थे मक्खन खाई, बोले मैया मोरी मैं नहीं भगवान कभी, और ये घर में टाट पेशाब कर देता है, भगवान को भी टाट पेशाब करते हैं नहीं करते हैं ना, लेकिन ये टाट पेशाब करता है, किस घर में जाता है अगर मक्खन में से नहीं वहीं पर टाट पेशाब करके आ जाता है, बोले तेरे घर में कुछ नहीं, तेरे घर में सुना ही सुना रहे तेरे घर है, इसलिए तुम लोग, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो देव की वसुदेव के अंदर में भगवान के प्रति ऐश्वर्य भावना है, हैं? लेकिन जो नंद जसोदा का जो कृष्ण के प्रति ये शुद्ध वात्सल्य भाव है, हैं? ये शुद्ध वात्सल्य, कृष्ण अपना ऐश्वर्य दिखाने पर भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, पर नंद बाबा ने कहा देखो अभी मेरे बात तो नहीं मानोगे, गर्गाचार्य की बात तो मानोगे, बोले हाँ जब कृष्ण का नामकरण कराया था वो पूरा चार्ट को लेकर है, देखो क्या कह रहे हैं, स्वयं गर्गाचार्य कह रहे हैं, बोले नारायण सम गुण, ये स्वयं बोले तुम्हारे जो बेटा है ना कभी कभी नारायण का कुछ गुण तुम्हारे बेटे को अंदर में प्रकाश पाएगा, मेरे बेटा कभी गिरिराज धारण कर सकता है, अगर मैं लाला को बोलता पीढ़ी ले आओ कितना कष्ट से उठते गिरते हुए पीढ़ी लाता है, और ये गिरिराज उठा दिया, ये गिरिराज नहीं उठा, देखो गर्गाचार्य कहता है कभी कभी नारायण का कुछ शक्ति इनके अंदर प्रकाश पाएगा, लेकिन वो जो श्लोक है उसका मतलब ये नहीं, उसका श्लोक का मतलब होता है नारायण सम गुण, मतलब नारायण में जो गुण है कृष्ण का कुछ गुण कभी कभी नारायण में प्रकाश पाएगा, इसका अर्थ मतलब ये है, लेकिन नंद बाबा उसको उल्टा अर्थ करते हैं, नारायण का कुछ गुण मेरे लाला भी प्रकाशित हो जाता है, इसलिए मेरे लाला गिरिराज उठा लेता है, मेरे लाला कभी गिरिराज थोड़ी उठा सकता है, इनके अंदर मीमत नहीं, क्योंकि इनके अंदर में शुद्ध बात चल जाती, लेकिन देव की वसुदेव के अंदर में
इनके अंदर वात्सल्य भावना तो है, लेकिन ये ऐश्वर्य युक्त वात्सल्य इनके अंदर में है। आपने सुना कभी देवत कान बोले, कभी डांट टपड़ कभी सुना है? बोले नहीं, कभी नहीं सुने हैं। उसमें इसमें ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती वहाँ पर नारायण समगुणी, मतलब है जो गर्गाचार्य कह रहे हैं जो कृष्ण का जो कुछ गुण है ये नारायण के अंदर में ये प्रकाश करके भी होता है, ये इसका मतलब ये होता है नारायण का कुछ गुण ये कृष्ण के अंदर में कभी कभी प्रकाश हो गया। छुट्टिका का अर्थ एक चीज उन्होंने बताया है, लेकिन नंद बाबा जो सोचे शुद्ध वात्सल्य है ना, बोले हाँ इसे आप नारायण का कुछ 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 गुण मेरे लाला के अंदर में प्रकाश पाएगा, लेकिन वास्तव अर्थ है नारायण में जो गुण है वो कृष्ण का कुछ कुछ गुण नारायण में प्रकाश पाएगा। इसलिए कहते इत्युक्त्वा सिद्ध इत्युक्तुष्णि भगवान आत्म मायाया पित्रम संपश्यत सद्य बभुवः प्राकृत शिशु। कहते ऐसे बोल करके कृष्ण ने कहा देखो अभी मैं छोटा बालक बन जाऊंगा, मैं छोटा बालक जब बन जाऊंगा फिर मेरे को यहाँ से ले जाना गोकुल में, ले करके वहां पर श्री मैया जसोदा ने एक उन्होंने पुत्र को जन्म दिया है और मेरे को वहां पर एक उन्होंने बेटी को जन्म दिया और मेरे को लेकर के वहां रख लेना और बेटी को वहां से यहाँ तक उन्होंने ले आना। ठाकुर जी इतना बोलते उन्होंने अपना जो बोल रहे थे उन्होंने तुसनी मतलब उन्होंने मुख बंद कर दिया, जब मुख बंद कर दिया तब यहाँ पर टीकाकार यहाँ पर कह रहे हैं, कहते वहां पर मैया जसोदा ने दो संतान जन्म ग्रहण किया था। कितने किया था, कितना किया था? दो संतान उन्होंने ग्रहण जन्म किया था। पहले तो उन्होंने कृष्ण का जन्म दिया, उसके बाद में जोग माया को जन्म दिया है। बोलेंगे ये कहाँ से बोल रहे, भागवत में तो जो बात है ही नहीं। कोई को बोलेंगे ना आप कहते हो सब दुनिया जानता है मैया जसोदा ने बेटी जन्म दिया और देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, सारा दुनिया तो ये जानता है, लेकिन आप केवल गौड़िया मठ वाले और गौड़िया वैष्णव लोग क्या कहते हैं मैया जसोदा ने कितने किसके जन्म दिया, उन्होंने दो बालकों को वहां पर जन्म दिया। कहते इसका कहीं क्या प्रमाण क्या है, तो यहाँ पर हम प्रमाण देकर कह रहे हैं, कहते ये हरिवंश ग्रंथ है, हाँ हरिवंश, ये हरिवंश में वहां पर शंकर जी वो पार्वती को उन्होंने शंकर जी कहते पार्वती मैंने ये बात को देखा है, बोले जसोदा नंद पत्नी तो जसोदा नंद पत्नी तो नंद की जो पत्नी जसोदा सुसुवाते समम तदा सुसुवाते एक साथ में उन्होंने दो बच्चे जन्म दिए हैं, दो बच्चा उन्होंने जन्म दिया जसोदा नंद पत्नी तो सुसुवाते समम तदा गोकुलाख्य कुमार भगवान सांबिका मथुराम गता है। कहते ये श्लोक में बताए उन्होंने मथुरा में तो उन्होंने लड़की को लेकर के चले गए हैं और यहीं पर जो पूर्ण कृष्ण जो जसोदा ने जो पूर्ण कृष्ण जन्म दिया था जो वसुदेव महाराज जो अंश कृष्ण को लाए वो अंश कृष्ण को पूर्ण कृष्ण ने अपना शरीर में उन्होंने मिला लिया है। कहते ये हरिवंश में इसको हरिवंश में बताया है। कहते और भी श्लोक है, इस श्लोक को लिख लो, जसोदा नंद पत्नी तो सुसुभात समम तदा गोविंदाख्या लिख लो, गोविंदाख्या पुमान कन्या, गोविंदाख्या पुमान कन्या सांबिका मथुरांगता, जो अंबिका मतलब जो बेटी है उसको वसुदेव महाराज ने उसको मथुरा में लेकर गए हैं। और एक है कहते रुद्र जामवल ग्रंथ में एक श्लोक है, बोले वसुदेव सुत श्रीमान, वसुदेव सुत श्रीमान वासुदेव अखिलात्मनि, वासुदेव अखिलात्मनि लीने नंद सुन राजन, लीने नंद सुत राजन घने सौदा विनिजथा। देखो इसका मतलब है कहते वसुदेव सुत श्रीमान
वासुदेव अखिलात्मनि, कहते वसुदेव का जो पुत्र है कृष्ण है कौन, बोले वसुदेव का पुत्र जो वासुदेव जो अखिलात्मनि लीने नंद सुन राजन, उन्होंने क्या किया, जो नंद सुन जो कृष्ण उनका शरीर में उन्होंने लीन हो गए, उनका शरीर में उन्होंने मिल गए, बोले घने सौदा मिली जाता जैसे आकाश में बिजली चमकती है, है? बिजली चमकते हुए हठात जैसे अंतर ध्यान हो जाती है, उसी तरह जो नंद बाबा का जो लाला कृष्ण में वसुदेव नंदन उनके शरीर में लीन हो गए। फिर भागवत में आगे लोग ये तो एक रुद्र जामल में और एक हरिवंश लोग है, फिर भागवत में कहा है, भागवत में क्या प्रमाण है, हाँ फिर भागवत में प्रमाण है लिख लो लोग है, अदृश्य अदृश्यता नुजा विष्णु, अदृश्यता नुजा विष्णु साई धाष्ट महापूजा। यहाँ पर अदृश्य अनुजा विष्णु, जिस समय कंस ने जब उनने बेटा को रखकर बेटी को ले आए, जब कंस को पता चला मेरा काल जन्म हो गया है, कंस भागते भागते आया है कृष्ण, वो भागते भागते आया, देखा उन्होंने क्या देखा, वो बेटा नहीं होकर के बेटी हुई, बोले बेटा होकर बेटी हुई, इसलिए जो आकाशवाणी ने क्या बताया था, अष्टम गर्भ का संतान तो तुम्हारे काल रूप में जन्म लेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था बेटा होगा कि बेटी होगी, तो क्या बताया था अष्टम गर्भ का जो संतान, फिर उन्होंने क्यों नहीं बताया बेटा होगा कि बेटी होगी, अगर बोल देगा बेटा होगा लेकिन अभी तो बेटी है, कंस के मन में ये शंका हो जाता, आकाशवाणी तो बता दे बेटा होने के लिए नहीं बेटी कैसे हुई है, शंका हो जाता, इसलिए आकाशवाणी ने इस बात कुछ नहीं बताया, पर केवल संता नहीं होगा, इसलिए कहते वो कौन है, कहते विष्णु अनुजा, कौन है विष्णु अनुजा, कहते विष्णु की छोटी बहन है, विष्णु छोटी बहन नहीं, अभी विष्णु की छोटी बहन, पहले कृष्ण जन्म हुई उसके बाद में योगमाया जन्म हुई, तो योगमाया बाद में जन्म हुई, इसलिए कृष्ण का योगमाया क्या लगती बहन लगती है, योगमाया कृष्ण की छोटी बहन लगती है, इसलिए वो श्लोक है अदृश्य तानुजा विष्णु, विष्णु इसमें धारण के लिए इतने में उसने अष्टभुज को धारण किया, अष्टभुज को धारण करते हुए क्या बोला, रे मूढ़ कंस तुम मेरे को क्या मारोगे, तेरे को मारने वाला तो अन्यत्र जन्म लेगा, तो वो भी सही बताया, क्योंकि कृष्ण को कंस को मारने वाले कहाँ जन्म होगा, कहाँ पर जन्म हो गोकुल, वो भी सही बात बताया, तुमको जो मारने वाले वो तो अन्यत्र जन्म ले चुका, यहाँ पर जन्म नहीं है, वो तो अन्यत्र जन्म ले चुका, वो भी सही बताया, वो कौन है, बोले विष्णु अनुजा, विष्णु की छोटी बहन है, छोटी विष्णु की छोटी बहन, जिसे भागवत में प्रमाण है मैया यशोदा ने दो संतान जन्म दिए, एक तो उन्होंने कृष्ण को जन्म दिए और उसके साथ साथ उन्होंने छोटी बहन की जो ये जो बात है ना, ये मतलब ये जो साधारण लोग है, जो साधारण लोग जो तर्क वितर्क करते हैं, आप लोग कैसे बताते हो मैया यशोदा ने दो बेटा जन्म दिया, कहाँ प्रमाण है, कहते ये प्रमाण है, है ये भागवत में प्रमाण, और रुद्रजामर और हरिवंश में ये दो श्लोक है और ये सब प्रमाण है मैया यशोदा ने दो संतान जन्म दिए, बंद कर दिया।